तो मैंने अभी जस्ट फाइंडिंग की है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की हेड़ा खान वाली रोड में, तो उसकी आवाज़ सुनिए आप। गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड दीपांक। और दोस्तों आज हम आए पहाड़ों की तरफ और फॉर बर्ड वॉचिंग, और कुछ हमारा टारगेट यहाँ पे बर्ड्स का है, तो देखते हैं अभी सर्च करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे मिलती है वो बर्ड की फ़ोटो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टारगेट है लेकिन ढूंढना इज समथिंग डिफरेंट, तो अभी हम देखते हैं उसकी सर्चिंग करते हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जो हमारा शहर हल्द्वानी कितना सुंदर दिखता है ऊपर पहाड़ों से। ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आप देख पा रहे होंगे, वो काठगोदाम सिटी, काठगोदाम का एरिया है, उसके आगे जाके हल्द्वानी सिटी देखने को मिल जाती है। अगर मौसम सही होता है तो आगे गुल्लर भोज वाला रेंज भी दिखता है, काफ़ी ज़्यादा आगे तक दिखता है। तो अभी बरसात का टाइम है तो क्लाउड ज़्यादा है। ये यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पहाड़ों की, और दोस्तों आज हम खूब सारे ट्री भी लगाने वाले हैं जंगल के एरिया में, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है देवेंद्र जी ने। तो उसमें मतलब जो भी वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया है ना, उसमें मतलब फ्रूट के कुछ ट्री हम लगाने वाले हैं, जिसके अंदर शरीफा है एंड मैंगो है एंड गुआबा, ये सारे मतलब बेसिकली हमारी कोशिश है कि मतलब जो जंगली जानवर हैं ये जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वो उसको खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बंदर लंगूर शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, एक वो भी रीज़न रहता है कि वो शहरों की तरफ आते हैं। तो अगर ऐसे ही सब लोग मिलके प्लांटेशन करें और मतलब फ्रूट के ट्री अगर जंगलों में भी लगाए जाएँ, तो शायद एक अच्छी कोशिश के बाद काफ़ी सारे एनिमल्स इसी पे आश्रित रहेंगे और वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे, और बाकी बर्ड्स के लिए भी खाने के लिए अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, कोशिश है। तो यहाँ टारगेट है काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाने का, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और चलते हैं, अब पेड़ लगाते हैं। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. तो ये वृक्षारोपण के लिए आप देख रहे हैं कि फ्रूट के पेड़ लेके आ रहे हैं। और जो यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी वृक्षारोपण हो रहा है। तो गाइस अभी मेरे साथ है देवेंद्र जी, आज सुबह ही इनसे बात हुई और बहुत अच्छा सुनने को मिला कि इनके नेतृत्व में वृक्षारोपण हो रहा है हेड़ा खान के आसपास के फॉरेस्ट एरिया में, और यहाँ पे लगाए जा रहे हैं फलों के पेड़, तो जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ आपके विचार में कैसे है और कैसे मतलब आप लोगों ने इतने लोगों को जोड़ के ये स्टार्ट किया? तो ये जो मेरे विचार में ऐसे आया कि मैं करीब 5-6 साल से जंगल में घूमता हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं देखता था कि थोड़ी यहाँ पर जो है पंछी काफ़ी बाहर से आते हैं और गर्मियों में खाने की दिक्कत और पानी की दिक्कत तो हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर पेड़ लगाए फलदार, जैसे कि अमरूद है, आम है, पपीता है। तो हमने इस बारे में सोचा, फिर आपस में हमने विचार विमर्श किया छोटे भाइयों से, तो वो लोग भी राजी हुए। फिर हमने कुछ लोगों से बात करी तो वो लोग पेड़ देने को राजी हो गए। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें पेड़ भी मिल रहे हैं और हमने खाली लगाने हैं, ये मेहनत करनी है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है शुरू हुआ है और अब जो है लोग इससे जुड़ रहे हैं और हमें पेड़ खुद ही दे रहे हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय भी है, गर्व की बात भी है कि हमारे फॉरेस्ट इससे और आगे हरे भरे रहेंगे और नए नए पंछी भी हमें देखने को मिलेंगे। सही में ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, खासकर हम उत्तराखंड वासी और भारतवर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ इतना अद्भुत प्राणी आते हैं, जो चिड़ियाँ हैं या फिर एनिमल्स कुछ भी ले लो, बहुत ही वैरायटीज आती है। बर्ड्स यहाँ पर, रेयर बर्ड्स जो यहाँ पर आती हैं, जैसे
ग्रेट हॉर्नबिल है यहाँ पे, वो तो ग्रेट हॉर्नबिल आप लोगों ने सुना ही होगा, यहीं पे मतलब हर मौसम में यहीं पे रहती है वो, उसने अपना जो है आवाज़ यहीं बना लिया है, तो आपको यहाँ पे दिखने की संभावना उसकी 99% है यहाँ पे। अगर आप सुबह शाम यहाँ घूमेंगे तो आपको दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से टाइप के आउल भी हैं यहाँ पर, जैसे कि एशियन बर्ड आउल है, स्पॉटेड आउलेट है, और माउंटेन स्कूप आउल यहाँ को आपको मिल जाता है, और इसी प्रकार से बर्ड्स में ग्रीन मैगपाई जो कि बहुत रेयर बर्ड है, और यहाँ तक कि मैंने ब्रॉडबिल लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल भी मैंने जंगल में देखी है, झुंड के झुंड देखे हैं, वो हो गया पैराडाइज फ्लाई कैचर। इनको बचाना बहुत जरूरी है कि आने हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इनको देख सके, इनको देख सके, और जो ये फ़ायदा हमें ना बताए करती है वो फ़ायदा हमें और आने वाली जनरेशन को मिलते रहे। तो बहुत ही नेक कार्य है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं, तो हम डिटेल डाल देंगे, आप लोग भी जुड़िए, ये अच्छे काम। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस मुहिम से जुड़ें, और हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी हरा भरा हम बनाएंगे इस पहल से, और जो हमारे नई पीढ़ी है घूमने के लिए आएगी उनको भी अच्छा लगेगा। और लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग जो भी हमारे साथी आएँ गंदगी ना फैलाएं यहाँ पर, अगर वो आते हैं अपना खाना पीना जो भी है तो अपनी जो है वेस्टेज के लिए एक थैली अपने घर से लेके आएँ या गाड़ी में डाल के लाएँ, और उस वेस्टेज को गाड़ी में डाल के फिर वापस ले आएँ, हाँ, और शहर में जहाँ भी कूड़ेदान है उसको वहाँ पर डाल दें, और उसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि यार अपने साथ वेस्टेज कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। पहले हमसे भी गलती होती थी और धीरे धीरे हमने भी हम लोग सुधारी है, सुधारी है, तो अब हम काफ़ी सुधार चुके हैं इस गलती को। हम तो अपनी गाड़ी में हर समय डस्टबिन रखते हैं या थैली रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं कूड़ा हम वापस जाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं, तो आप लोग भी करिए ऐसा, आपको अच्छा भी लगेगा और जो हमारा जंगल है हरा भरा भी रहेगा, क्योंकि जैसे आप आते हैं रोड में देखते हैं कुछ गंदगी पड़ी तो वैसे अच्छा लगता है दिल को, घर में कहीं गंदगी है तो अच्छी नहीं लगती है, तो इसी प्रकार इस जंगल को भी अपना घर समझें और इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, इसमें हमें आपके योगदान की भी ज़रूरत है। तो आप लोग भी जुड़िए इस अच्छी मुहिम से और साफ सफाई और वृक्षारोपण करिए। चलो मिलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की डिटेल्स। तो दीपांकर जी लगा रहे हैं आम का पेड़, दीपांकर जी ने यहाँ पे हमारे इस जगह पे 3-4 पेड़ लगा दिए हैं, इनका चौथा पेड़ है आम का। तो ऐसे ही सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बढ़िया, और पांडे जी से कह के आया हूँ मैं, वहाँ ऐसी ऐसी चिड़िया हैं और बाजरा खाती हैं, मूंगफली खाती हैं, हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जिसमें मोहन जी हैं, मोहन जी हैं, देवेंद्र जी हैं और कुंदन भाई है, तो सबने मतलब बहुत अच्छे से पेड़ लगाए हैं ये जंगल के बीचों बीच फ्रूट के, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे फल देंगे, जो पसे पक्षियों के लिए बहुत काम आने वाला है। और आप लोगों से भी यही विनती कि आप लोग भी जुड़ सकते हैं संडे टू संडे वृक्षारोपण के लिए। अब बाकी मोहन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगा अपने हल्द्वानी शहर से कि साहब एक पेड़ लेके आ जाइए, और वो भी फल का, 40-50 रुपये में आ जा रहा साहब, 40-50 रुपये तो हम लोग यूँ ही फूंक देते हैं, बस एक पेड़ खरीदिए आइए, बाकी लगाने की टेंशन भी मत रखिए, हम लोग सब हैं पूरे लॉ लश्कर के चलते हैं, लॉ लश्कर में हमारे पास सब्बल और जो भी गेटी फड़वा बेलचा वो है सब हमारे पास है, और पूरी मेहनत करने के लिए हम तैयार है, बस आप एक तो फल का पेड़ लेके आइए। मोहन भाई के सहयोग से हम लोगों ने करीब आज 50 पेड़ लगाए हैं यहाँ पर, और पहले भी हमने करीब 50-60 पेड़ पहले मतलब 100 के आसपास पेड़ हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। तो हर संडे को हमारा ये लक्ष्य है कि हम यहाँ पर आएँ और जहाँ पर भी हमें लगे कि जगह है वहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे, तो आप लोग भी सहयोग करिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पेड़ चाहिए, आप पेड़ दीजिए, हाँ। और लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, तो एक पेड़ आपका नाम का हम लगाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और साहब ये लक्ष्य है हमारा काठगोदाम जो वेरियला हेड़ाखान रोड में चढ़ने वाली रोड है, वहाँ से आपके पसौली टॉप तक का, हाँ, बहुत सुंदर जंगल है और हल्द्वानी वासियों के लिए तो बहुत ही। जो हमारी पहल थी ये अब यहाँ पर समाप्त हो रही है, क्योंकि
सारे पेड़ हमने लगा दिए हैं और अब नेक्स्ट संडे को हम दोबारा फिर आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे एक नई पहल के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। ये अच्छे हो गए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखो, अभी आओ एक चीज़ और दिखाऊँ, इसी में आ जाओ। ये देखो फल लगाया ना, तो ये देखिए देखिए इसमें चिड़िया ने चोंच भी मारी है साहब। हाँ, दिख रहा है अभी कच्चा है इसलिए थोड़ा नहीं खा पाई होगी बेचारी, अगर पका होता तो अवश्य खाती। तो देखिए इसकी जड़ें भी काफ़ी फैलने लग गई है यहाँ और मतलब फ्रूट भी आने लग गया अब, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा एरिया है जो कि आने वाले टाइम में बहुत फलों से भरने वाला है। तो मैंने अभी जस्ट फाइंडिंग की है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की हेड़ा खान वाली रोड में, तो उसकी आवाज़ सुनिए आप। तो ये आवाज़ सुन के ही मैं जस्ट रुका और मैंने इसके कुछ क्लिक्स लिए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये देखने भी, मतलब अपने हल्द्वानी शहर के पास। ये सुनिए आवाज, तो गाइज़ अभी हम हैं पसौली में और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करते हैं देवेंद्र जी के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, हेड़ा खान वाली रोड पे है, तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स बर्ड्स हैं और अभी सर्चिंग मोड है। मैं हम आ गए और थोड़ी बर्डिंग करते हैं और फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मोबाइल की वैसे अभी बैटरी भी कम है, तो मैं इस ब्लॉग को आज यहीं क्लोज करता हूँ और आप लोगों से मैं शेयर करूँगा जो भी मेरी फाइंडिंग वगैरह रहेगी और बर्ड्स के फोटोग्राफ आप लोगों को शेयर करूँगा। और आप चैनल में बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा एंड दोबारा मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। बाय। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe